हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम आपको करा रहे हैं सन 2019 का प्रैक्टिस सेट अनसॉल्व पेपर, जिसका कोड है एफएम ही इसका बजाना है। प्रश्न नंबर 4 है 3 आपको करा चुके हैं पिछले वीडियो में। प्रत्येक है 3 अंक का, तो कितने खंड दिए गए, का खा गा घा, और कितने हैं, ये 4 है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है। क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखें, और डाइक्रोमेट आयन की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण क्रिया का समीकरण भी लिखिए। तो यहाँ पर दूसरा अलग है, क्लोरोएथेन से N डाइएथिल एथेनेमीन बनाने की रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो इसी प्रकार से नियोप्रीन नायलोन 6 के भी रासायनिक समीकरण लिखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 मिनट लेने हैं, पेपर को 2 घंटे में सॉल्व कराएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। देखिए क्यों तो कैसे हल करते हैं। पहला का प्रश्न, का डाइक्रोमेट, पहले क्रोमाइट आयन क्या होता है, FeCr2O4 किसके साथ गर्म करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे तो बनेगा हमारा क्या, सोडियम क्रोमेट Na2Cr2O4 सोडियम क्रोमेट बनेगा। अब सोडियम क्रोमेट बनेगा तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, नहीं Cr4 होगा, इसको हम लिखेंगे क्रोमेट Na2Cr4, ये क्रोमेट बनेगा। शेष आपका निकल जाएगा Fe2O3 और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी। अब देखना हमें मल्टीप्लाई इतना करना है, ये सब चीज पूर्ण मिल जाए। अब क्रोमेट कितने हैं, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कर दें हम, 4 का, कितने का, 4 का, तो 4 × 2 = 8, क्रोमियम कितने हो गए, 8, यानी कि हमें इसके आगे क्रोमियम पूरा करने के लिए 8 का मल्टीप्लाई करना होगा। 8 का मतलब है 16, क्या हो गए, कास्टिक सोडा यानी सोडियम 16 हो गए, तो यहाँ पर भी हमें 8 का मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरे पेन से किए देते हैं तो आपको दिखाई देगा, तो सोडियम 8 × 2 = 16, क्रोमियम 8 मिल गए, वो भी 8 हमें यहाँ मिल गए, ऑक्सीजन 4 × 16 और 8 × 3 = 24, और यहाँ पर जितनी कम होगी वो हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। आयरन को पूरा करते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई को हम अदर पेन से दिखाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये 4 भी हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। अब देख लीजिए ऑक्सीजन टोटल कितनी यूज हुई है, अब इस 8 से कितने कार्बन का इस्तेमाल हुआ है, 8 का, तो यानी कि ये कार्बन भी 8 है तो हमें 8 का मल्टीप्लाई करना ही होगा। अब ये लीजिए पूर्ण हो गए, अब ऑक्सीजन की बारी आती है, ये ऑक्सीजन कितने टोटल, 4 × 16, 8 × 3 = 24 और 2, टोटल यहाँ खर्च कितने हो गए, 8 × 32 और 2 × 3 = 6 और 8 × 2 = 16, टोटल कितने हुए, 12 × 2 = 14, 1 × 3 = 1 = 4, 4 × 1 = 5, कितने हो गए, 54, यहाँ पर कितने हैं, 8 × 3 = 24 और 16 और 16 × 2 = 18, यानी कि हमें कितने बढ़ाने होंगे, 7 का मल्टीप्लाई करना होगा, 7 × 2 = 14 जोड़ ले तो 4 × 2 = 8, 8 × 6 = 14, 14 × 4 हासिल आए 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 हासिल का 5, 54 ऑक्सीजन हो गए, यदि 7 का मल्टीप्लाई कर दे तो 54 ऑक्सीजन हो जाते हैं। ये हमें सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, सोडियम क्रोमेट, इसको डाइक्रोमेट में बदलना है, तो हम डाइक्रोमेट का मतलब है यहाँ पर Cr2 लाने हैं, तो Na2Cr4 का हमें क्या कर देना है, जल अपघटन कर देना है, तो ये बना देगा सोडियम डाइक्रोमेट, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये Cr2 बनेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे Na2Cr2O7, ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं, 8 और मिली ले लिए कितने, 2, कितने सोडियम बाहर हो गए, 2 सोडियम,
एक ऑक्सीजन की कमी है जो यहाँ से है वो इसके साथ आ गया, और यहाँ दो हाइड्रोजन है और एक OH है, यानी कि इसके आगे हम क्या कर दें, दो का मल्टीप्लाई, तो दो एने भी पूरे हो जाएंगे और ये लीजिए आपका मल्टीप्लाई पूरा हो गया। इसको अदर पेन से करके दिखाते हैं तो देख लीजिए, दो यहाँ पर भी दो, कितने सोडियम दो दूना चार, इस क्रोमियम के लिए हमने यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई किया तो क्रोमियम दो मिल गए, सोडियम की संख्या चार हो गई, लेकिन दो सोडियम यहाँ निकल गए, ऑक्सीजन कितना है एक, लेकिन ये आठ हैं, दो चाकू आठ, एक ऑक्सीजन इसके साथ गई तो दो एकन दो, हाइड्रोजन कितने हैं दो पूरे हो गए। अब ये क्रिया क्या कहती है कि सोडियम डाइक्रोमेट में पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील होता है, Na2Cr2O7, इसको हमें किस में बदलना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, और बन क्या गया सोडियम डाइक्रोमेट है भाई, तो इसको क्या करेंगे हम KCl के साथ गर्म कर देंगे, 2KCl, तो ये दोनों NaCl, ये देख लीजिए ये दोनों सोडियम आपके टूट जाएंगे और बनेगा क्या, क्या बनेगा, 2NaCl बन जाएगा, 2NaCl बन गया, बचा क्या आपका K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन एजेंट, K2Cr2O7 आपका बन गया, यही आपको प्राप्त करना था पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। अब कह रहा है कि इसका अम्लीय माध्यम से ऑक्सीकरण बताइए, तो इसकी एक अभिक्रिया भी देनी है, किससे, अम्लीय माध्यम से, तो लिखो K2, इसकी एक ऑक्सीकरण, ये इसकी अभिक्रिया है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 अम्लीय माध्यम ले लो भाई। अब ये हमें बनाना है क्या, क्रोमेट आयन बन जाएगा, एक सल्फेट आयन बन जाएगा और क्रोमेट ले लेंगे, तो यहाँ पर एक बनेगा क्या भैया, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और क्रोमियम की बैलेंसी होती है तीन, तो सल्फेट भाई इसे भी चाहिए, तो ये बनाएगा Cr2SO3 का SO4 का होल थ्राइज, टोटल कितने हो गए सल्फेट चार, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा भाई, चार का मल्टीप्लाई, सल्फेट एक पोटेशियम लिए गया और तीन क्रोमियम ले गया, तो चार संख्या कर ली, पोटेशियम पूरे हैं, क्रोमियम पूरे हैं, सल्फेट चार थे मिल गए। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ऑक्सीजन का मामला, हाइड्रोजन कितने हैं चार, तो ये बना देगा 4H2O, ये H2O बन गया। अब बचा क्या है, शेष बचे हुए को देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं चार चक्कू 16 और सात कितने हुए 7, 6, 13 और एक 2, 23 हो गए, 23 ऑक्सीजन है, लेकिन टोटल कितने यहाँ खर्च हुए चार, और चार तीनों 12, 12 और चार कितने होते हैं 12 और चार 16 होते हैं, और भाई 16 के साथ कहाँ गए, नहीं चार तीनों 12 और चार 16 और चार कितने हुए 16 चार 20 हो गए, और हो कितने रहे हैं 23 टोटल, कितने 23 चार ये भी हैं, चार यहाँ पर 12 यहाँ पर और चार यहाँ पर, कितने हुए चार 16 और चार 20, यहाँ कितने टोटल है 23, यानी कि इसीलिए तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रीजेंट, ये तीन ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन को निकाल देगा, तीन नवजात, यही तो दिखा है माध्यम में ऑक्सीकरण की क्रिया का समीकरण लिखिए, यही ऑक्सीकरण क्रिया है भाई, यही ऑक्सीकरण निकालते हैं, इसीलिए तो जब भी किसी भी यौगिक का हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या डालते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट इतना क्रियाशील नहीं होता, इसीलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट हम डाल देते हैं अम्लीय माध्यम में। पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, क्लोरोएथेन से N, डाइएथिल एथेनेमीन बनाने की विधि, बिल्कुल ईजिली इस टाइप की हम करा चुके हैं आपको क्रिया, डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएं
और देख सकते हैं, लेकिन आपको इस बार करा दे रहे, अगली बार रिपीट होगी तो आपको बैक जाना ही होगा। हमारी प्रत्येक बात को ढंग से सुनिए, अगर सुनेंगे नहीं तो आप लॉस हो जाएंगे, आपका प्रश्न छूट जाएगा, आप परीक्षा में नहीं कर पाएंगे। तो क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन का मतलब होता C2H5Cl से N कम N, पहले इससे हम अमोनिया की अभिक्रिया करा दें, किससे, अमोनिया की अभिक्रिया करा दें, तो ये क्या बनाएगा HCl, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा C2H5NH2 एथिल अमीन बन जाएगा। ये हमेशा क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में करा दो, हो गया, और क्या निकल गया माइनस का HCl, या कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति ले लें, HCl हो गया। ठीक, अब हम इसकी अभिक्रिया पुनः कराएं, क्योंकि इसके जब तक दोनों हाइड्रोजन हम तोड़ नहीं लेंगे तब तक ये N कॉमा N होगा ही नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन दोनों, एक हाइड्रोजन टूटने पर एक N, दूसरा हाइड्रोजन टूटने पर दूसरा N। तो फिर क्या करेंगे, इसको अगेन दोबारा यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे C2H5NH2, और किसको जोड़ना है, एथिल, एथिल को जोड़ना है, डाई एथिल। तो फिर हम दोबारा करा दें C2H5Cl से अभिक्रिया, और ये क्या निकल जाएगा HCl, और क्या बन जाएगा आपका माइनस का HCl कर दें तो यहाँ पर क्या बनेगा C2H5NH, और ऊपर क्या लग जाएगा C2H5, जो डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं उसी को हम कहते हैं N। अब इसका नाम हो गया N एथिल, N एथिल एथेनेमीन, एथेनेमीन इसका नाम बन गया N एथिल एथेनेमीन। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, N कॉमा N डाई एथिल एथेनेमीन, तो इसको दोबारा यहाँ पर उठा लाइए। वैसे तो एक ही बार में हम कर देते हैं, लेकिन आगे आपके क्वेश्चन हमने लिख डाले हैं, तो NH C2H5, फिर इसको क्लोरो एथिल क्लोरो को डालिए, क्लोरोएथेन को, ये हाइड्रोजन निकल गया, ये दूसरा N जुड़ने आ रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी C2H5, ये तो देखिए पहले का कंपाउंड, इसे N नहीं बोलते हैं, जो पहले से जुड़ा होता है किसी में कंपाउंड उसको हम N नहीं बोलते हैं। और हर बार क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं HCl निकाल रहे हैं, तो ये बन जाएगा N। अब N से चौमुखी लग जाएगा C2H5 लग गया, तो ये दोनों क्या है N, यानी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ पहला N और दूसरा N, ये कंपाउंड पहले का था, इसे हम N नहीं बोलते हैं, ये बात याद रखना, केमिस्ट्री में जो रूल होता है उसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है, हम अपने पास से कुछ भी नहीं जोड़ सकते, तो इसे बोलेंगे N, इसे भी बोलेंगे N, हो गया AN AN हो गया। ये हैं क्या, दो बार हैं तो डाई, क्या चीज डाई है, एथिल, किस पर डाई है, एथिल अमीन पर, एथेने मीन पर है डाई। लीजिए बन गया ये आपका समीकरण, दूसरा समीकरण आपका बन चुका है, और ये अभिक्रिया आपकी सॉल्व हो गई, इसे कहते हैं अभिक्रिया को सॉल्व करना, और ऐसे ही करते हैं, इतनी फास्ट आप भी सीखेंगे, बस आप मेरी बात को याद रखें, आपका ये काम है कि आप इसे नोट करते रहे और पॉइंट टू पॉइंट हमारी बातों को सुनते जाइए। आपकी परीक्षा की दृष्टि से यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो साथ में आपको हमसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ये आपका दायित्व है। अगर आपको बूंद बूंद से समंदर बनाना है तो ये करना ही होगा। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नियोप्रीन नायलोन 66, नायलोन 6 बनाने की विधियाँ देखिए कितनी आसान होती हैं, नायलोन 66 और नायलोन बनाने की विधियाँ, इसे नोट कर लें, नायलोन 66, तो यहाँ पर किससे है, नियोप्रीन, नियोप्रीन का मतलब होता है कि क्लोरोप्रोपीलीन को, क्लोरोप्रोपीलीन को, यानी के CH, पहले हम लगा लें CH, यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये होगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्लोरोप्रोपीलीन, क्या है, क्लोरो
प्रोपलीन नहीं, क्लोरोप्रीन, सॉरी क्लोरोप्रीन, जुबान थोड़ा सा लग गई। अब इसको हम गर्म करेंगे उच्च ताप और उच्च दाब पर, उच्च ताप और उच्च दाब पर, उच्च ताप और उच्च दाब पर गर्म कर देंगे तो ये एक बॉन्ड क्रैश हो जाएगा, टूट गया, एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये आधे बॉन्ड पलट कर यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे, बना देंगे, ये आधा इधर चला जाएगा, ये आधा उधर, तो क्या लिखेंगे, आधा और ये आधा इधर चला गया। इसके अणुओं की संख्या ले लेंगे N, तो बनेगा CH2। फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही बचा क्योंकि टूट कर आधा पलट गया, इससे क्या लगा Cl, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर बचेगा सिंगल बॉन्ड CH2, यही क्या है क्लोरो नियोप्रीन, क्या है ये नियोप्रीन, लीजिए ये नियोप्रीन बन गए। नायलोन 66 का मतलब आप नहीं जानते, नायलोन 66 का मतलब है कि दोनों अणुओं में जो दो अणु डाले जाएंगे, संश्लेषित बहुलक कहते हैं इसे, दो अणु डाले जाएंगे तो उनमें कार्बन की संख्या 6-6 होती है। देखिए हम बताते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट, नहीं मिटाएंगे इसको, ऐसे ही रखेंगे, आप देख लेना। दूसरा लिखेंगे हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन, क्या बोलते हैं हेक्सा मेथिलीन, ओ सॉरी टेट्रा लिख दिया, हेक्सा मेथिलीन हो गया, हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन NH2, एक NH2 यहां, हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन, इसका नाम है हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन, हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन को एडीपी अम्ल, एडीपी का आप जानते हैं टेट्रामेथिलीन, टेट्रामेथिलीन डाइकार्बोक्सी को एडीपी अम्ल बोलते हैं। ये लीजिए COO, उल्टा लिखना होगा COOH, अच्छा नहीं दिख रहा, इसको हम दोबारा मिटाकर लिखते हैं, हमें कचल पचल बिल्कुल पसंद नहीं है और कचड़ा मुझे लिखना भी नहीं आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड COOH और एक इधर भी होता है OOC। अरे क्या लिख डाला, हम जो लिखना चाहते हैं उसका उल्टा लिख रहा है, ये लीजिए ये बीच में काय का निशान है, आपको दूर से शायद ना दिखाई दे लेकिन प्लस के निशान हम दूसरे पेन से लगाते हैं, ये लीजिए पे लगा दिए, ये है एडिपिक अम्ल, क्या है एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, ये एडिपिक अम्ल हो गया। एडिपिक अम्ल में अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सूक्ष्म समूह, अब इसके आगे एरो लग नहीं सकता तो हम यहाँ से एरो आपके लिए लगा रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक सब नायलोन ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे नायलोन ही बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका OH, इसको दूसरे पेन से दिखाते हैं, इसका पूरा OH और इसका एक हाइड्रोजन क्या बना देगा जल, तो एक जल ये हो गया, इसी प्रकार इसका एक H और इसका OH मिलकर बना देगा जल, और इसके आगे क्या लगा देंगे N, और ये भी क्या है N, सभी N है, मतलब जितने आप मॉलिक्यूल्स चाहे उतने डालें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे NH2O, बाहर हो गया, बचा क्या, बड़ा कोष्टक शुरू करते हैं, ये बहुलक का नियम है, और बचा यहाँ पर NH, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन OH के साथ हमने जोड़ दिया, क्या बचा NH, अब उसके साथ में क्या लिखा है CH2C6, देखिए 6 कार्बन है, इसी का मतलब है नायलोन 6, 6 इसमें है, देखिए 4 ये, 5 ये, छठवां ये हो गया, अब यहाँ पर क्या बचा सिंगल बॉन्ड NH बचा हुआ है, अब क्या बचा सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O, ये CO बच गया, ये CO हो गया, अब इससे क्या जुड़ा है 4 बार मेथिलीन जुड़ी हुई है,
यहाँ पर क्या बचा, सिंगल बॉन्ड CO, और इसका आधा बंद टूट जाएगा क्योंकि ओ इस OH ने इस H से क्रिया की है और NH2 निकाला है, और यहाँ पर लग जाएगा ऐसे कोष्टक और सफिक्स में लगा देंगे N, इसके भी लगाएंगे, सॉरी भूल गए थे, और ये बन गया आपका नाइलोन, नाइलोन 6.6, ये है 6, ये 6 है कार्बन, 6 कार्बन ये और ये 6 कार्बन, ये नाइलोन 6.6 बनाने की विधि है। अब नाइलोन 6 की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को, नाइलोन 6 बनाते हैं। कैप्रोलेक्टम, आपने सुना होगा कैप्रोलेक्टम, इसका थर्ड पॉइंट है नाइलोन 6 बनाना, थर्ड पॉइंट है नाइलोन 6 बनाना, इसी क्वेश्चन का है। तो कैप्रोलेक्टम में क्या होता है, एक NH जुड़ा होता है, NH, उसी के पास में एक कीटोन समूह होता है, और टोटल मिलाकर 6 कार्बन होते हैं, कितने 6 कार्बन, 6 कार्बन से आप ज़्यादा लिख देंगे चाहे वो किसी का भी हो तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ये लीजिए, ये बन गया कैप्रोलेक्टम, लिखे देते हैं कैप्रोलेक्टम, ये कैप्रोलेक्टम हो गया। इसको भी उच्च ताप पर गर्म कर दीजिए, उच्च ताप और उच्च दाब किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक इसमें कुछ निकलेगा नहीं, उच्च दाब, उच्च दाब पर गर्म कर दीजिए, तो इसका एक बॉन्ड कीटोन और अमीन के बीच वाला क्रैश हो जाएगा, ये बॉन्ड यहीं से टूट जाएगा और शेष सभी को हम इकट्ठा कर लें, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिखें CH2 का होल 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि 1 2 3 4 5 मेथिलीन ने लिख दी। इधर क्या जुड़ा है, NH, याद रखें ये NH है, सही से लिखे देते हैं आपको, वरना ये ना हो कि आपने सही से दिखा नहीं, NH है ये, आप देख लीजिए। अब यहाँ पर हम सही से इसको लिखते हैं, अब देखें ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी जो पेन लेना चाहिए था वही लेना होगा, NH। इधर क्या बचा है, CO, सिंगल बॉन्ड CO, और ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर N लगा देंगे, यहाँ पर भी N लगाएंगे क्योंकि कणों की संख्या हम N से ही दिखाते हैं, पता नहीं आप कितने लेना चाहते हैं। और देख लीजिए 5 और 1 6 कार्बन हो गए, तो इसका नाम है नाइलॉन 6, होता ना आसान, ऐसे ही करते हैं, याद रखना जितने क्वालिटी से हम कर रहे हैं कि कचड़ा गिरी नहीं करने का, कचड़ा गिरी नहीं करने का, उस पर हम सीट पर कचड़ा गिरी नहीं करेंगे। आपको अगर लिखने में दिक्कत होती है तो वर्क रफ कार्य लिख दें, उस पेज में आप जितना चाहें उतना गंदा संदा लिखें, फिर अच्छा सा एकदम मलाई जैसा उठाकर किस पर लिखें, अपने मेन सीट पर लिखेंगे, मेन पेपर पर लिखेंगे। याद रखना है काटा पीटी नहीं चलेगी, गलत बात नहीं चलती है, नंबर कट कर लिए जाते हैं, आप फिर बाद में ये कहेंगे कि आपने सर मेरे ने तो बहुत अच्छा लिखा था मेरे नंबर कट गए, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपने गलती की है तो उसकी आपको सजा मिल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण आयनी संश्लेषित, संश्लेषित या संश्लिष्ट, संश्लिष्ट अपमार्जक क्या है, दो ऋण आयनी अपमार्जक सोडियम लॉरिल सल्फेट और सोडियम डोडोसिल बेंजीन सल्फेट के निर्माण की रासायनिक विधियां लिखिए। तो आपको हम बताते हैं कैसे लिखते हैं, इसको मिटा दें, चलिए इसको रब कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें बचा है और आपको कराते हैं हम रिलाइनिंग। ऐसे पहले हम बताते हैं, ऐसे अपमार्जक, ऐसे संश्लेषित अपमार्जक जिसमें सल्फेट SO3 या SO4 या SO4 भी हो सकता है, SO3 सल्फेट या सल्फाइड के आयन उपस्थित होते हैं, ऋण आयन उपस्थित होते हैं, ऋण आयनी संश्लेषित अपमार्जक
कहलाते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब बनाएंगे दो ऋणायनी संश्लेषित अपमार्जक, कैसे बनाएंगे, CH2 का होल 10, CH सिंगल बॉन्ड OH, CH सिंगल बॉन्ड OH, ये CH2 होगा भाई, CH सिंगल बॉन्ड OH, इसको हम किसके साथ गर्म कर दें, सल्फ्यूरिक अम्ल, किसके साथ, H2SO4 के साथ गर्म कर दें। तो H2SO4 के साथ हम जब गर्म करेंगे तो ये बनेगा, यह लॉरिल, यह है लॉरिल, क्या है, लॉरिल अम्ल, लॉरिल अल्कोहल को हम गर्म करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो एक जल निकल जाएगा, तो ये लॉरिल सल्फेट बनेगा, निकल गया जल, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का जल निकल गया। अब जो बचा है शेष लिख दिए CH3, CH2 का होल 10, CH2 HSO4, इसको दोबारा हम किसके साथ, क्योंकि सोडियम के सल्फेट अपमार्जक जब बनेगा, जब सोडियम भी उसमें डाली जाए तो हम क्या डाल दें, कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा डालेंगे तो ये हाइड्रोजन इसके साथ क्रिया कर जाएगा और एक बनाएगा H2O माइनस का, बन गया। अब जो बचा हुआ है ये सोडियम आयन यहीं जुड़ जाएगा तो ये बनेगा CH3, CH2 का होल 10, CH2, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, सल्फेट आयन, बन गया। और दूसरा क्या होगा, सोडियम आयन, इसका नाम आप जानते हैं, सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट। पिछले वीडियो में हम इसे बता चुके हैं कि ये अपमार्जक होते हैं, ये साबुन से अच्छे और सस्ते मध्य और कठोर जल में अच्छी धुलाई करते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं, संश्लेषित अपमार्जक कहलाते हैं। इन्हें प्रकृति के तेलों से प्राप्त करके फिर संश्लेषण द्वारा इन्हें बनाया जाता है। अब दूसरा रह गया डोडोसिल बेंजीन सल्फेट, देखिए बनाते हैं डोडोसिल बेंजीन सल्फेट, ये पहला हो गया था, अब दूसरा हम बनाते हैं आपके लिए, इसको आप नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दूसरा क्या है, दूसरे में लिखेंगे CH3, CH2 का होल 10 और इससे जुड़ी होती है बेंजीन, ये डोडोसिल है, क्या है, डोडोसिल, लेकिन डोडोसिल बेंजीन सल्फेट नहीं है, डोडोसिल है, डोडोसिल बेंजीन बोलते हैं, ये डोडोसिल बेंजीन है, इसको हम गर्म करते हैं फिर वही H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ इसका एक हाइड्रोजन निकाल लिया हमने, ये दिखाई नहीं देगा तो यहाँ से हम प्लस का निशान अलग कलम से कर देते हैं, ये लीजिए। अब ये हाइड्रोजन हमने बेंजीन से निकाला और यहीं से क्या निकल जाएगा, एक ये जल लेकर ये एक हाइड्रोजन इससे तोड़ेगा और एक इसका ऑक्सीजन ले लेगा और यहीं से अब क्रिया में आगे तो एरो लगा नहीं सकते क्योंकि आगे सब कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस CH2O। आप एक ही सीधे तरीके से करते चले जाएंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, CH3, CH2 का होल 11 और फिर बेंजीन से क्या जुड़ जाएंगे महाराज, HSO4, ये लीजिए बेंजीन, ये हो गया आपका HSO4, बन गया HSO3, सॉरी एक ऑक्सीजन तो ये जल में चला जाएगा, ये बन गया आपका डोडोसिल बेंजीन सल्फेट, लेकिन अभी भी इसमें कास्टिक सोडा डालना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे कास्टिक सोडा से, NaOH से। अब ये हाइड्रोजन इस OH से क्रिया कर क्या निकाल देगा, माइनस का H2O। जो भी अब बनने वाला उत्पाद है वो होगा डोडोसिल बेंजीन सल्फेट, डोडोसिल इतना ही है, बेंजीन ये सल्फेट हो जाएगा, तो ये डोडोसिल अब पहले यौगिक था तो ये बनेगा CH3,
CH2 का होल 11 क्या जुड़ी हुई है, बेंजीन, बेंजीन को जोड़ें, ये लीजिए हो गया। अब इसके बाद में क्या बचा, SO3, तो यहाँ पर SO3 लगाएंगे, उस पर एक लगाएंगे और एक प्लस का सोडियम जोड़ देंगे। ये जो आपका बना है ये डोडोसिल, डोडोसिल बेंजीन सल्फेट, बेंजीन सल्फेट बन गया। यही आपसे पूछे गए थे दो कि ऋण आयनी संश्लेषित अपमार्जक, देखिए ऋण आयनी है, ऋण आयनी संश्लेषित अपमार्जक क्या है और इनको कैसे बनाया जाता है। सोडियम लॉरिल सल्फेट और डोडोसिल बेंजीन सल्फेट का निर्माण की ये विधि है। जब डोडोसिल को, डोडोसिल बेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो डोडोसिल सल्फेट प्राप्त होता है, हाइड्रोजन सल्फेट, डोडोसिल बेंजीन हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। पुनः कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो जल पृथक हो जाता है, डोडोसिल बेंजीन सल्फेट प्राप्त हो जाता है। ऐसे प्राप्त करते हैं, बड़ी आसानी से अभिक्रियाएँ करते हैं, बहुत ईजी होती हैं अभिक्रियाएँ, बस थोड़ा सा माइंड लगाइए, माइंड लगाते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ते जरूर रहिए, पढ़ना ही मोस्ट है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो पिछड़ जाएंगे, समाज आपको पिछाड़ देगा। तो उससे हमें जंग लड़नी है, हमें कुछ दिखाना है, हम इस दुनिया को दिखाने आए हैं, ना कि देखने आए, इस दुनिया को दिखाने आए हम कितने काबिल हो सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमसे ही होगा, हम ही करेंगे, ऐसा ही आपको करना है। बूंद बूंद से समंदर बनाना है और समंदर का दिखावा करना है, फिर बाद में, अभी नहीं, अभी पढ़ाई खामोशी से करते हैं, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद।